और बेंगलुरु के एक मस्जिद ने कौमी यकजहती और इंसानी दोस्ती की अनोखी मिसाल पेश की है। यहां चंदे के पैसे से तमाम मजाहिब के मरीजों की हर तरह की मदद की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मस्जिद कमेटी की इंसानी दोस्ती की कई मिसालें अब तक जी सलाम आपको दिखा चुका है। इसी से जुड़ी एक और खबर राजधानी के शिवाजी नगर में वाके मरकजी मस्जिद एले हदीस ट्रस्ट की भी सामने आई है। ये मस्जिद हफ्तावार जुमे के चंदे से डायलिसिस के मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करता है। चार मीनार ट्रस्ट बोर्ड के तहत पांच मस्जिदें आती हैं, जिसमें चंदे वसूले जाते हैं और इसी आमदनी के पैसे से डायलिसिस करवाया जाता है। मुस्तहिक मरीजों में सभी मजाहिब का गरीब तबका शामिल रहता है। इस हफ्ते राज्यसभा रुकन हनामन तप्पा बतौर गेस्ट बुलाए गए थे। यहाँ के इंतजाम देकर उनकी आँखें भर आईं। The impression that it is not allowed, somebody other than Muslims not allowed into a masjid. But today it was told to me that any human being can enter and have their prayers, need not be a Muslim. For which I am very happy and I am really delighted by this. And the other thing which the masjid has taken up their monthly medical aid to needy patients is definitely a human service, a unique service. And a human service, and it is not, they are not giving only to Muslims, it is being given to non-Muslims also. That is really shows that their human concern for all the human beings of the world. ये पहली बात तो मैं चार मीनार ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके का काम का पहल उन्होंने किया। मुझे लगता है कि सारे दूसरे मस्जिदों के लिए और दूसरे जो इदारे हैं उन तमाम इदारों के लिए जो है एक आने वाले दिनों में एक मॉडल, एक नमूना बन सकता है। और सिर्फ मुसलमान ने, हर मज़हब के लोगों को जिस तरीके की एक फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, डायलिसिस कराना चाह रहे हैं, मेडिकल एड देना चाह रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि हर वो वक्फ प्रॉपर्टी, चाहे मस्जिद हो, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, जो भी जो रेवेन्यू जनरेट करती है, वो तमाम इदारों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि निकाल के रखना चाहिए। देखिए, ये काम जो है ये हर इंसान के लिए करना है, ये इंसानियत है। मज़हब हमें इंसानियत सिखाता है और तहजीब सिखाता है, और ये सारी कायनत रब्बुल आलमीन की है और सारे इंसान वही रब के हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान हेल्थ की जगह जो है आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, और आगे बढ़ के उनकी मदद करना है, जितना हो सके उतना मदद करना है। अब देखो, इस मस्जिद चारमीनार ट्रस्ट बोर्ड में जो हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, माशाल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूँ कि बाकी के मस्जिद भी ऐसे इनिशिएटिव्स लें और ऐसा करें। बेंगलोर की मस्जिद कमेटी की जानिब से आवाम की खिदमात ने पूरे रियासत को मुतासिर किया है। मस्जिद की जानिब से तालीमी और तिब्बी मैदान में नुमाया काम को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मुल्कगीर पैमाने पर इस तरह की मुहिम चलाई जाए ताकि गरीब तबके को ऐसे हालात में एक सहारा मिल सके। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। अपने कुछ कारना